हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सॉल्व करेंगे साइको टेस्ट के चार टेस्ट को, जैसा कि आपका एग्ज़ाम में आया था सेम उसी पैटर्न के अनुसार। और मैंने जो दूसरा टेस्ट है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें आपका वॉच टेबल टेस्ट आया था एग्ज़ाम में, वो मैंने नहीं दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर इंडिविजुअल टेस्ट उसका दे सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, मैं टोटल इसमें चार टेस्ट मैंने दिए हैं। तो पहला टेस्ट है आपका मेमोरी टेस्ट, जिसमें कि रेलवे ट्रैक टेस्ट आया था आपके एग्ज़ाम में, और इसमें टोटल आपके क्वेश्चन थे 24 और उसके लिए आपको मिला था 12 मिनट का समय। टेस्ट थ्री है आपका डेप्थ प्रोसेसम टेस्ट, और इसमें से आया था ब्रेक टेस्ट, इसमें क्वेश्चन थे आपके 50 और उसके लिए मिला था आपको 5 मिनट का समय। टेस्ट फोर था आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, जिसमें से आया था जो न्यू टेस्ट ऐड हुआ था फिगर पोजिशन शिफ्टिंग टेस्ट, इसमें से क्वेश्चन 60 थे और उसके लिए आपको मिला था 7 मिनट का समय। टेस्ट फाइव जो था आपका वो था परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, और उसमें से आया था फिगर सेम फिगर सेलेक्ट टेस्ट, जिसे हेक्सागोनल टेस्ट भी कहते हैं। उसमें आपके टोटल क्वेश्चन आए थे 96 और जिसके लिए मिला था आपको 7 मिनट का समय। तो अब जो ये टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कुछ टेस्ट में थोड़ा टाइम मैंने कम किया है, क्योंकि आपके ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि आपको कर्सर से फिगर ऊपर नीचे करना पड़ता है और आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका सेक्शन वाइज मैंने जब क्वेश्चन डिवाइड किया है, तो इतना जब उस सेक्शन का टाइम हो जाएगा तो दूसरा सेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए मैंने आपका टाइम थोड़ा कम किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट वन, जिसमें आपका रेलवे ट्रैक टेस्ट आया था। तो इसमें टोटल आपके 24 क्वेश्चन है और इसमें मैंने दिया आपको 10 मिनट का समय, मतलब 2 मिनट कम। तो इसमें दो सेट में क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं, जिसमें कि एक सेट में आपके 12 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 24 क्वेश्चन हो गए। तो एक सेट के लिए आपको मिला है 5 मिनट का समय। तो 2.5 मिनट में आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है फिगर और अगले 2.5 मिनट में आपको आंसर देना है, ठीक है। और इसमें आपको एक सेट होने के बाद आपको मिलेगा 1 मिनट का समय ब्रेक टाइम, जो कि आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम जो हुआ था साइको टेस्ट का 10 मई को, उसमें मिला था उसी तरह। अब टेस्ट थ्री जो है, इसमें आपका ब्रेक टेस्ट है, जिसके लिए आपको सेम टाइम है 50 क्वेश्चन और 5 मिनट का समय मिलेगा। अब इसमें मैंने क्वेश्चन डिवाइड किया है आपका सेक्शन वाइज, तो इसमें टोटल 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपका एक फिगर रहता है, उससे 5 क्वेश्चन रहता है, तो एक एक सेक्शन में दो फिगर रहेगा ब्रिक का, और इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट का समय एक सेक्शन के लिए, तो टोटल आपका 5 मिनट हो गया, ठीक है। अब चौथा टेस्ट है आपका फिगर पोजीशन शिफ्टिंग टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन आपके 60 हैं और मैंने दिए हैं इसमें आपको 6 मिनट का समय, ठीक है। तो 6 मिनट का समय है, तो इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन हैं, हर सेक्शन में आपके टोटल क्वेश्चन हैं 12, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 1 मिनट 12 सेकेंड का समय, तो टोटल आपके 6 मिनट हो गए इस सेक्शन में। अब टेस्ट पाँचवा जो है आपका, वो है सेम फिगर सेलेक्ट टेस्ट या हेक्सागोनल टेस्ट। तो इसमें भी आपके टोटल 96 क्वेश्चन है और मैंने दिए इसमें 6 मिनट का समय, इसमें टोटल आपके 4 सेक्शन हैं, ठीक है। और 4 सेक्शन में हर सेक्शन में आपके क्वेश्चन है 24, तो टोटल आपके 96 क्वेश्चन हो गए। अब एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 1 मिनट 30 सेकेंड का समय, ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो अंत में दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसमें आपका टेस्ट के बाद, जैसे टेस्ट वन है उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा, टेस्ट थ्री के बाद भी 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा, और टेस्ट फोर के बाद भी 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा। और इस टेस्ट में अब आपके इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं है आपका, तो वीडियो है, इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, क्योंकि आपको तो पता है किस तरह सॉल्व करना है हर टेस्ट को, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो आपका जब एक टेस्ट ख़त्म होगा, तो 1 मिनट ब्रेक टाइम के बाद दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो अब आप आगे टेस्ट दें।